मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। कहते हैं कि प्यार का खुमार जब चढ़ता है तो प्यार करने वाले सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं और अक्सर अंजाम खतरनाक ही साबित होता है। ऐसा ही मामला यूपी के गाजियाबाद से सामने आया है, जहां प्रीति शर्मा ने अपने प्रेमी फिरोज का अस्तूरे से गला काट कर उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश को सूटकेस में रखकर ठिकाने लगाने के लिए घर से निकली थी, मगर रास्ते में गाजियाबाद पुलिस ने गश्त के दौरान प्रीति को पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में प्रीति ने फिरोज के मर्डर का खौफनाक सच बताया। प्रीति पहले से ही शादीशुदा थी और पेशे से नाई का काम करने वाले फिरोज से प्रीति का प्यार हो गया था। बस फिर क्या था, दोनों प्रीति और फिरोज का इश्क सर चढ़कर बोलने लगा और प्रीति ने अपने पति को छोड़ दिया और फिरोज के साथ रहने लगी। 3 से 4 साल तक फिरोज के साथ रही। प्यार के बीच धीरे धीरे तकरार भी दोनों में बढ़ने लगा। अक्सर दोनों के बीच मनमुटाव रहने लगा और मनमुटाव से प्रीति परेशान हो गई और आखिरकार सोते समय फिरोज की अस्तूरे से प्रीति ने गला काट कर उसे मौत के घाट उतार दिया और लाश को सूटकेस में भर कर उसे छिपाने की फिराक में ही थी, तभी पुलिस ने इसे पकड़ लिया। और प्यार मोहब्बत से शुरू हुई इस स्टोरी का अंत फिरोज की मौत से खत्म हो गया और प्रीति सलाखों के पीछे पहुंच गई। कल रात पुलिस गश्त करते समय टेला मोड़ थाना क्षेत्र का पुलिस फोर्स गश्त कर रहा था, सब इंस्पेक्टर्स तुलसी निकेतन चौकी इंचार्ज वगैरह सब गश्त कर रहा था। उस समय कुछ महिला ने वहाँ पे संदिग्ध परिस्थिति में निकली थी और पुलिस उसके देख के तुरंत उसको रोका और तलाशी किया है। तलाशी में उनका हाथ में जो सूटकेस था उससे कुछ डेड बॉडी दिखाई पड़ी थी। वो डेड बॉडी के पुलिस ने तुरंत कब्जे में लेकर उनसे पूछताछ किया। उन्होंने ये बताया एक व्यक्ति है उनके साथ लिविंग रिलेशन में रहता था। अभी पूरा एड्रेस वेरीफाई कर रहा है हम लोग, पूरा बाकी एविडेंस वगैरह इकट्ठा करवा रहा है। जो आदमी है उसका परिवार लोग को सूचना पुलिस ने दे दिया है और पुलिस उनका परिवार दिल्ली में रह रहा है, वो आ रहा है, उनसे बातचीत करेंगे हम लोग, पता करेंगे। और साथ साथ उस महिला से भी इंटरोगेशन जारी है, वो उसका क्यों इस तरह घटना किया, वो अकेला की थी और उसके साथ और कोई भी है क्या, वो सब कर रहा है। और घटनास्थल पर पुलिस मौके पर फील्ड यूनिट सब चीज़ गई है, वहाँ पर सब चीज़ वेरीफाई करी जा रही है। अभी पूरा हम जाँच में जुड़ा है, अभी तुरंत पुलिस ने FIR दर्ज करा दिया, उन्होंने आगे विधिक कार्रवाई कर रहा है और उसका पर्यावरण से इकट्ठा करके कार्रवाई करेंगे।